नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है, तो सबसे पहले सब लोगों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और ये दिन इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है, जो भी क्रॉप्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है, एंड ऋतुराज जिसको को हम बोलते हैं कि वसंत ऋतु, वो इस दिन से पंचमी, आज मतलब ऑलरेडी 5 दिन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ का जन्म हुआ ऐसे मानते हैं। तो आज स्पेशली ये दिन बहुत अच्छे से इंडिया में मनाते हैं। तो आज हम लोग ने पूजा की है सरस्वती माँ की, सरस्वती हम लोग ने निकाली है, और जो मंत्र है सरस्वती माँ के वो लिखे हैं, और मोर पंख है जो सबसे ज़्यादा प्यारे है सरस्वती माँ को, तो उसकी पूजा भी हम लोग उसके साथ करते हैं। सरस्वती इज अ गॉडेस फॉर द नॉलेज, विजडम एंड आर्ट। तो अगर आपके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के दिन से उनको पहले उनसे अक्षर लिखवाइए, या तो किसी आर्ट फॉर्म वो ऑलरेडी सीख रहे हैं तो उसकी पूजा उनसे करवाइए। सो दिस इज अ बेस्ट डे फॉर देयर विजडम एंड नॉलेज ग्रोथ। मैं यहाँ पे सरस्वती माता की आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। जो वर्ड है सरस्वती, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सरस और वती। तो सरस शब्द संस्कृत शब्द है, जिसका उपयोग हम लोग गुजराती में बहुत ज़्यादा देखते हैं। सरस मतलब एक्सलेंट, जो सब में माहिर है ऐसे होता है। और वती मतलब हम लोग जैसे बोलते सौभाग्यवती, तो सौभाग्यवती, वती मतलब जिसमें जिसके अंदर हो, मतलब सौभाग्य जिसके अंदर हो, दैट इज सौभाग्यवती। सो सरस्वती, सो जिसके अंदर एक्सलेंस है दैट लेडी, सो सरस्वती। ये दो शब्दों से बन के सरस्वती ये शब्द बना है। और सरस्वती माँ को वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज वसंत पंचमी है, तो इट्स अ वसंत ऋतु को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कि बहुत सारा नेचर खुल जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स फ्लावर्स आने लगते हैं। सो फॉर द ब्लॉसम वी यूज़ येलो कलर। तो आज के दिन हम लोग ने सब ने येलो कलर पहना है टू रिप्रेजेंट दिस वसंत ऋतु। और बच्चों को इस दिन स्पेशली मोरपंख से, स्पेशली रेड इंक से कोई भी स्वस्तिक निकालो, श्री निकालो या ओम निकालो, ये आप एक्टिविटी उनसे करवाइए। मैं भी मेरे बच्चों के साथ करवा रही हूँ, सो आई विल रिकॉर्ड दैट फॉर यू। नमस्ते, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने सरस्वती माता की पूजा की, अब हम लोग मोर पंख से ओम और स्वस्तिक लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने प्लेन पेपर्स लिए है, और जिसको मैंने रेड कलर की बॉर्डर की है, और अभी हम लोग इसके ऊपर कैसे अपन पहले क्या लिया हुआ, स्वस्तिक लिया कि ओम, स्वस्तिक लिया कि ओम लिया पहला ओम। ओके, यू आर राइट हियर, खाली पकड़ा थोड़ा सा पीस बस बड़ा ओ स्वस्तिक क्या करते कर रहा स्वस्तिक आओ कुछ अच्छा ओम आला रे कैसे अपने ओम निकाला है ये। ओके, अपन क्या करेंगे स्वस्तिक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः। स्टैंडिंग लाइन, कश्यप ने उसका नाम लिखा है। कश्यप कहाँ है? ओके, सो फर्स्ट मैंने कश्यप से हाथ से उसका नाम लिखवाया है। यू कैन इवन फ्रेम दिस, अगर आप फर्स्ट टाइम आपके बच्चों से पूजा कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आपके बच्चों से पूजा करवा रहे हो, तो ये एज अ मेमोरी यू कैन फ्रेम दिस एंड कीप इट इन योर हाउस। तो जब भी बच्चे बड़े होंगे तो उनको देख के वो भी खुश हो जाएंगे कि ऐसा मुझे पूजा। ओके, वी आर डूइंग ड्रॉइंग, विल फर्स्ट कीप दिस एट पप्पा। नमो करूंगा तिथि ते पप्पा च्या समोर ठेव आणि नमो करा। हे गे पप्पा च्या तिथे नमो ठेव आणि नमो करा। ओके, करा झालं तुझं। सो दिस वॉज
वॉज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो आज आप अपने बच्चों के साथ प्लीज ये एक्टिविटी कीजिए. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट शो मी थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस.